हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड इन दिस सेशन वी ए गोइ टू डू द फर्स्ट चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आई सी जीरो वन पहला चैप्टर करेंगे रिस्क मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू कवर द होल चैप्टर विद इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स एंड देन वी एन टू डू ट्वेंटी थ्री इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज जो बुक वाले भी हैं वो भी और जो हमने खुद बनाया है वो भी हम करेंगे राइट

Pure full and mock test, summary sheets and revision notes we are providing. Link to join the course is available in the description. It's a sure short, short course, right? So let's start the session without the delay. What is peril? Peril kya hai. Peril is the cause of loss. Peril is the cause of loss. Uh, different kinds of perils can be there. फायर हो सकती है लैंड हो सकते हैं फ्लड्स हो सकते हैं लाइटनिंग अर्थ कवेक्स हो सकते हैं राइट right? कोई भी इंसिडेंट जिससे लॉस हो सकता है आग लग गई कोई मतलब फ्लड आ गए लाइटनिंग हो गई अर्थ कवेक्स हैं तो जिससे लॉस हो सकता है दैट इज नोन एज पैरल सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरल प्लीज रिमेंबर दैट सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस हम क्यों करते हैं क्यों करवाते हैं राइट right? पैरल कैनॉट बी अवॉयडिड थ्रू इंश्योरेंस पैरल से जो इंश्योरेंस है उससे पैरल को अवॉयड नहीं करा जा सकता लेकिन जो नुकसान हुआ है पैरल की वजह से उसकी भरपाई हम कर सकते हैं सो इंश्योरेंस कैन ट्राई टू रिड्यूज़ द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लॉस ऑन द ओनर एंड द बेनिफिशरी राइट दैट्स अ पॉइंट नंबर वन फर्स्ट पर्पज पैरल कैनॉट बी अवॉयडिड द इंश्योरेंस ओनली प्रोवाइड्स द द फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन आप कह लीजिए जो लॉस को रिड्यूस करता है सेकेंड पॉइंट इंश्योरेंस कैन ओनली कॉम्पनसेट फॉर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लॉसेज फॉर एग्जाम्पल आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया राइट right? सो so, किसी का किसी को से हार्ट अटैक आ गया इंश्योरेंस ओनली प्रोवाइड मनी फॉर द ट्रीटमेंट आपको ट्रीटमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कराया तो आपको ट्रीटमेंट का पैसा मिल सकता है किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करवाए इफ दैट पर्सन डाइज अगर वो मर जाता है राइट सो ओनली क्लेम वुड बी प्रोवाइडेड क्लेम दिया जाएगा फैमिली को तो so, ऑब्वियसली एक इमोशनल जो अटैचमेंट है उसका रि नहीं कर सकते इंश्योरेंस वाले बट द ओनली थिंग दैट कैन बी डन हेयर इज कि नॉन फाइनेंशियल लॉसेज जो है उसको उसका कुछ नहीं कर सकते राइट right? ओनली द इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लॉसिस को ही कॉम्पनसेट कर सकता है इंश्योरेंस राइट रिस्क अकॉर्डिंग टू दीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी अर्थक्वेक है लेट्स से अर्थक्वेक आया राइट सो इफ द अर्थक्वेक का इंटेंसिटी रेक्टर स्केल पे थ्री है सो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कोई खास नुकसान नहीं होगा बट इफ द अर्थक्वेक आ गया 6.57 पॉइंट फाइव सेवन इस फ्रिक्वेंसी पर रिक्टर स्केल की फ्रीक्वेंसी uh, पे आ गया देन बिल्डिंगें गिर जाएंगी तो बहुत सारा नुकसान होगा राइट इफ सच पैरल कैन कॉज डैमेज टू एन एसेट वी से दैट एसेट इज एक्सपोज टू दैट रिस्क अगर किसी पैरल की वजह से एसेट को नुकसान हो सकता है दैट मीन्स द एसेट इज एक्सपोज टू रिस्क सो रिस्क ओनली मीन्स दैट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज ड्यू टू द पैरल पैरल की वजह से एक नुकसान होने के चांसेस हैं एक प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है एसेट के नुकसान होने की अर्थक्वेक आया उससे अगर तो हल्का अर्थक्वेक आया है तो उससे हो सकता है आपकी बिल्डिंग को कुछ ना हो लेकिन एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आ गया तो हो सकता है कि बिल्डिंग गिर गई राइट सो द वर्ड पॉसिबिलिटी एम्प्लाइज अनसर्टनिटी वर्ड पॉसिबिलिटी इम्प्लाइज अनसर्टनिटी एक अनसर्टनिटी है जो इंश्योरेंस है वो अनसर्टनिटी के अगेंस्ट ही आपको कवर कर रहा है राइट right? एक अनसर्टनिटी है एक गुड एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे दैट देर इज अ प परसन राइट लेट से द पर्सन राम हिज एज इज लेट से थर्टी ईयर्स ओल्ड राइट सो

एज कम हो जाता है जिन जनरली स्टैटिस्टिकली दे आर गोइंग टू डाई सूनर विद इन फोर फाइव ईयर्स अगर राम ये बात छुपाता है तो दैट इज uh, ये एक मॉरल हजार्ड है मतलब ये नहीं छुपाना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी कंपनी क्लेम नहीं देगी सो so, यहाँ पे सर्टन है ही इज गोइंग टू डाई सूनर राइट एंड इंश्योरेंस जो है अनसर्टनिटी के अगेंस्ट ही आपको इंश्योर कर रहा है राइट right? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क कितने तरह के रिस्क हैं कैटास फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डायनामिक स्टैटिक प्योर स्पेकुलेटिव फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर इसी भी हमें अंडरस्टैंड करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम केटास बहुत बड़े लेवल का जो है कोई नेचुरल कैलॉमिटी हो गई है कोई बहुत बड़े लेवल पर अर्थ आया है कोई फॉरेस्ट पे यू नो फायर स्टार्ट हो चुकी है कोई टॉर्नेडोज आ गए हैं कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म है ऐसी सिचुएशंस में लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू फाइल फॉर क्लेम्स बहुत सारे लोग जो कस्टमर्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज के वो एक साथ ही क्लेम लेने आएंगे क्लेम फाइल करेंगे ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो दिवालिया हो सकती है दे कैन गो बैंक बिकॉज अगर कंपनी के एक लाख कस्टमर्स हैं और

वो लॉस को आप फाइनेंशियल टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हो आपकी कार की वैल्यू सात लाख रुपए थी डेपरिशियबल वैल्यू पांच लाख रुपए थी पांच लाख का आपका नुकसान हो गया दैट्स नॉन फाइनेंशियल रिस्क ऐसे रिस्क जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते सो नॉन फाइनेंशियल रिस्क आ दॉज दैट दॉज नॉट बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड इन मॉनिटरी टर्म्स हेल्थ ऑफ अ पर्सन सो अ पर्सन गॉट हार्ट अटैक हार्ट अटैक आ गया ऑब्वियसली दैट कैन बी कॉम्पनसेटेड द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इज गंग टू पे मनी फॉर दैट उसके पैसे देंगे इलाज कराने के बट जो लॉस हुआ है आई मीन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जरूर क्लेम दे देगी लेकिन जो फैमिली को जो इमोशनल डैमेज हुआ है तो उसका कुछ नहीं कर सकते राइट उसके उसकी कॉम्पनसेशन नहीं दिया, दिया जा सकता राइट देन देर आर डायनेमिक एंड स्टार्ट रिस्क

सो शिफ्ट इन द कस्टमर प्रेफरेंस चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल केबल टी वी केबल टी वी अभी लोग केबल टी वी से ओ टी टी की तरफ जा रहे हैं राइट सो वॉट हैपन टू द केबल टी वी बिजनेस सो वो धीरे धीरे कम हो रहा है राइट सो दट दैट इज़ डायनमिक रिस्क द बिजनेस इज़ फेसिंग डायनामिक रिस्क उस बिजनेस की कोई परस खुद के लेवल पर कोई गलती नहीं है वो कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज होगी या इकॉनमी में चेंजेस आ गए इफ़ द एकमी गोज़ डाउन अगर लेट से एक नीचे जा रही है फॉर एग्ज़ाम्पल एज ऑफ द मोमेंट जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो उतना अच्छा नहीं कर रही वो ग्रो नहीं कर रही तो वहाँ पे क्या है कि आ, कुछ एक लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही है राइट right? कार्स की डिमांड जो है वो कम हो रही है कार्स की डिमांड कम हो रही है इंडिया इंडिया जो है अभी ग्रो कर रहा है इंडिया का जी अगर आप सर्च करेंगे मेकअ गूगल सर्च इंडिया जी डी ग्रो कर रहा है मिडिल क्लास में और लोग जुड़ रहे हैं अपर मिडिल क्लास में लोग जा रहे हैं तो कार की सेल कार्स की सेल बढ़ रही है राइट right? कार्स की सेल बढ़ रही है ऑल दो पेट्रोल महंगा है लेकिन कार्स की सेल बढ़ रही है सो दीज आर डायनामिक रिस्क व्हाट आर स्टैटिक रिस्क स्टार्ट स्टैटिक रिस्क इन्वॉल्व दोज लॉसेज दैट अकर इवन इफ देर इज नो चेंज इन द इकॉनमी इकॉनमी में कोई चेंज नहीं है तब भी दैट कैन इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट Vandalism, fire damage, natural disasters, right? So, against these risks, the insurance company can provide a proper uh, insurance plan, right? These risks can be insured, but the fluctuation in the economy and this and that, this cannot be insured, right? Shift in customer preferences, this cannot be insured. Uh, कोई अभी कोई केबल ऑपरेटर है राइट right? वो इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस नहीं लग ले सकता है कि अगले पाँच साल तक वो हर महीने पाँच लाख रुपए कमाए ऐसा कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है कि आपको इंश्योरेंस देंगे कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहे अच्छा नहीं वेल uh, ऐसा ज़रूर है कि दे कैन टेक थेफ्ट इंश्योरेंस और वेंडलिज्म uh, के अगेंस्ट इंश्योरेंस ले सकते हैं फायर इंश्योरेंस और एनी नेचुरल डिजास्टर के अगेंस्ट दे कैन टेक द इंश्योरेंस

स्टैटिक रिस्क लेस लाइकली टू चेंज डायनामिक इज मोर लाइकली टू चेंज मोर लाइकली है कि इकॉनमी में चेंजेस आएंगे कस्टमर की प्रेफरेंसेज चेंज होंगी टेक्नोलॉजी चेंज होगी एग्जाम्पल सेफ्ट फायर नेचुरल डिजास्टर्स डायनामिक इकनॉमिक चेंजेस टेक्नोलॉजिकल एडवास और कस्टमर प्रेफरेंसेज में चेंज सो दीज आर द गुड एग्जाम्पल्स नाउ वॉट आर प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क प्योर रिस्क रेफर्स टू अचुएशन वेयर द पर्सन कैन नॉट मेक एनी मनी लॉस के ही चांसेस हैं लॉस ही होगा लॉस ही होगा फॉर श्योर sure. मतलब प्रॉफिट नहीं होगा ऐसे रिस्क से फॉर एग्जाम्पल आग लग गई किसी के घर पर ऑफिस में राइट फायर कोई हेल्थ इश्यू है कोई थेफ्ट हो गया कोई नेचुरल डिजास्टर्स है सो इससे द पर्सन इज गोइंग टू लूज मनी देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेन गेन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हंड्रेड परसेंट दर्सन इज गोइंग टू लूज मनी बंदे ने पैसे लूज करने हैं राइट वॉट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क यहां पे देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट भी हो सकता है द पर्सन कैन मेक मनी ही कैन लूज मनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट द पर्सन कैन मेक मनी ही कैन लूज मनी ऑनटरप्रनोरशिप कमोडिटी ट्रेडिंग राइट सो प्योर रिस्क आर इंश्योरबल बाय द इंश्योरेंस कंपनीज वेल स्पेक्यूलेटिव रिस्क आर इंश्योर बाई यूजिंग हेचिंग टेक्नीस राइट ट्स मूव फॉरवर्ड फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क फंडामेंटल फंडामेंटल रिस्क का दॉज रिस्क दैट कैन इफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर अर्थकवे का आ गया कहीं पे राइट right? तो बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं उसे कोई टेररिज्म अटैक हो गया तो बहुत सारे लोग उसे इफेक्ट होते हैं राइट right? ट इज अ फंडल रिस्क ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो दो ढाई सौ लोग इंपैक्ट हो जाते हैं उससे पर्टिकुलर रिस्क किसी पर्टिकुलर शॉप में जब आग लगती है तो उस पर्टिकुलर शॉप के ओनर को इफेक्ट होता है सो दैट इज अ पर्टिकुलर रिस्क ओके नाउ वॉट इज अजार्ड कई लोग बोलते हैं कई लोग हजार्ड बोलते हैं सो हजार कंडीशन दैट इंक्रीजेज द चांस ऑफ लॉस इट इज समथिंग दैट एक्सिलेट द पेर सो so हज़ार्ड क्या है कि ये एक जो पैरल से नुकसान होना है उसको बढ़ा देता है एक्सिल्रेट कर देता है लॉस होने के चांसेस को बढ़ा देता है राइट द हज़ार्ड कैन बी फिज़िकल एंड दैट कैन बी अ मॉरल हज़ार्ड पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल डाल रहा है बंदा वो अगर सिगरेट स्मोक करेगा तो पेट्रोल पंप में आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं दैट इज़ फिजिकल हज़ार्ड पेट्रोल पंप के ओनर ने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बोला कि ये सिगरेट जला के पेट्रोल में फेंक दो ताकि आग लगे और हमें इंश्योरेंस क्लेम मिले दैट इज़ मोरल हजार्ड सो दो तरीके के हज़ार्ड है राइट फिजिकल हज़ार्ड एंड मोरल हज़ार्ड दिस रेफर्स टू द करेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटीज ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स विच इज़ प्रपोज टू बी इंश्योर्ड दीज हज़ार्ड्स कैन बी असर्टन और आइडेंटिफाइड थ्रू अ मेयर इंस्पेक्शंस राइट स्मोकिंग इज अ फिजिकल हज़ार्ड दैट कैन इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ अ फायर लूज वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है मोरल हजार्ड मतलब पर्सन की का करेक्टर ऐसा है इंटेग्रिटी एंड मेंटल इश्यूज आर देयर राइट सो बंदा चाहता है कि इंश्योरेंस से क्लेम लेना राइट right? तो उसने खुद ही आग लगा दी अपने पेट्रोल पंप पर या फैक्ट्री में राइट right? या मोरल हजार्ड कैन भी किसी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और उसने बताया नहीं है कि उसे एच है या कैंसर है सो दीज आर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजे इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अगर कोई पर्सन ये हाइड करता है अगर कोई पर्सन हाइड करता है कि उसे एच आई वी या कैंसर है और इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताता और एक बहुत बड़ी पॉलिसी ले लेता है दैट इज अ मॉरल हजार्ड ओके रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड अनिसिस सो रिस्क पॉसिबिलिटीज नॉट सर्टन सर्टनिटीज आर एंड आर मेजर्ड बाय द लॉस दैट मे हैपन इफ द पैरल स्ट्राइक्स ठीक है सो so, लॉस जो है एक तो डायरेक्टली uh, uh, जब आपका एसेट प्रॉपर लूज हो गया राइट एक तो वो डायरेक्ट लॉस है फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री है फैक्ट्री में मशीन्स हैं आग लग गई तो वो मशीन खत्म हो गई एक तो वो डायरेक्ट लॉस है ही है देन देर आर कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज वो डिब्रीज वो कबाड़ उठाने के लिए भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे राइट right? रेंट uh, uh, जो है आपने रेंट पे जो प्रॉपर्टी ली हुई है वहाँ पे आपकी मशीनें चलती हैं जब तक आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे आपका वो लॉस भी हो रहा है पॉसिबल लाइबिलिटी लॉसेस फॉर थर्ड पार्टी इंजरीज फायर की वजह से किसी लेबर की जान चलेगी तो वो भी आपका लॉस है दीज आर कॉन्सिक्वेंशल लॉसेज ठीक है सो द एक्चुअल लॉसेज will include the repair replacement and reinstatement and then the consequential losses right so repair replacement or reinstatement तो है ही obviously but consequential losses भी है for the third party damages कोई आपका जो प्रॉफिट हो सकता था वो आपको नहीं हुआ आपका रेंट चले गया फालतू में राइट so these are the you know uh, parts the actual losses ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं राइट now that is important probable maximum loss PML द टोटल लॉस इसका सिंपल फॉर्मूला है दी एम एल का द मैक्सिम प्रॉबेबल लॉस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पैरल स्ट्राइकिंग मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस मल्टीप्लाइड बाय पैरल प्रोबेबिलिटी ऑफ पैरल स्ट्राइकिंग द रिस्क एक्सपोजर इज द एम पी एल मल्टीप्लाइड बाय पैरल स्ट्राइकिंग द मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस मल्टीप्लाइड बाय पैरल होने के जो लेट्स से अर्थक्वेक होने के कितने चांसेस हैं और मैक्सिमम लॉस होने के कितने चांसेस हैं यू मल्टीप्लाईट यू गेट द प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस सो पी एम एल एंड एम पी एल प्लीज़ रिमेंबर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम सो रिस्क को आप कैसे मैनेज कर सकते हो सो रिस्क को फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई और असेस द रिस्क एंड देन द रिस्क कैन बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड यू ट्राई टू रिड्यूज़ द रिस्क और यू रिटेन द रिस्क आपने क्या किया हुआ है कि अपने कुछ पैसे साइड पे रखे हुए हैं राइट आपने एक फ़ंड बनाया हुआ है दैट मेरी जो फैक्ट्री है उसमें मशीनें हैं लेट्स से टू करोड़ रुपीस दो करोड़ रुपये की आपकी मशीन हैं और आप हर महीने लेट्स से रुपीस वन लाख या से रुपीस टू लाख रुपीस पर मंथ आप साइड पे रख रहे हो यू कीप इट सेपरेट फॉर द एमरजेंसी इन केस ऑफ अ फायर आई यूज दिस मनी तो आपने खुद का एक फ़ंड बनाया हुआ है राइट So, you retain it, you take the risk yourself. Transfer means you take help of an insurance company, you pay premium, ho, right? And in case of a fire, in case of any natural calamity, theft, or vandalism, the insurance company is going to help you out. They are going to uh, give you the, the claim, right? Reimburse a claim. So, when risk is retained, it is implied, I have explained it is implied that the cost of damage would be मेट बाय द इंटरनल सोर्स राइट सो फ्राम द करंट रेवेन्यूज यू आप एक पार्ट करंट रेवेन्यूज़ का फंड में डाल रहे हो अपने वो आपका खुद का फंड है आप एक स्पेशल फंड मेनटेन कर रहे हो सो वॉट आर द एडवाटेज ऑफ हैविंग योर पर्सनल फंड इज दैट कॉस्ट आर स्प्रेड आउट बिटवीन गुड एंड बैड ईयर्स आप पंद्रह साल से बिजनेस कर रहे हो आप हर साल थोड़े थोड़े पैसे बचा के रख रहे हो राइट right? सो so, बट इंश्योरेंस uh, के अपने फायदे हैं फॉर फॉर एग्जाम्पल आपने फंड मेंटेन करना शुरू किया पहले या दूसरे साल ही फंड मेंटेन करने के uh, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया देन वट वुड यू डू सो ये एक नुकसान है राइट बट वन मोर थिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर दे मे सीम की दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे आर नॉट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर हैविंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी भी है आपने फंड भी ले रखा अपना मेनटेन कर रहे हो और आप प्रीमियम भी कर रहे दे रहे हो यू ऑल्सो हैवे इंश्योरेंस पॉलिसी सो यू कैन डू बोथ जरूरी नहीं है आप दोनों में से एक चीज करो दोनों भी कर सकते हो राइट सो वॉट आर द वेरियस लॉस रिडक्शन टेक्नीस अलग अलग लॉस रिडक्शन टेक्नीस हैं सो देयर आर फाइनेंशियल रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिसोर्स सम ऑफ़ द रीजन आर फ्लक्चुएशन फाइनेंशियल मार्किट्स में जो रिस्क हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स में हैं क्या क्या हो सकते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं फ्लक्चुएशन इन स्टॉक मार्किट करेंसी प्राइजेज अप डाउन जाते हैं पोलिटिकल डिस्टर्बेंसेज होती हैं कोई भी रीज़न जैसे आपकी स्टॉक मार्किट्स या करेंसीज ऊपर नीचे जाती हैं दो ज़्यादा रीजनस राइट आप इसको कैसे हैंडल uh, करते होजिंग इज़ अ टेक्निक सो हेजिंग इज अ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी यूज टू टू लिमिट रिस्क एक्सपोजर्स लेट्स टेक अ गुड एग्जाम्पल लेट्स टेक अ गुड एग्जाम्पल कि आपने दस करोड़ रुपए के आपने लेट्स से टेन करोड़ रुपीज का आपने निफ्टी ई खरीदा हुआ है निफ्टी ई आपने खरीदा हुआ है लेकिन आपको रात को नींद नहीं आ रही है कि कल को अगर मार्केट थर्टी फोर्टी परसेंट नीचे चलेगी तो आपके चार करोड़ रुपए चले जाएंगे सो so, आपने क्या किया आपने पुट ऑप्शन भी ख़रीद लिया या पुट ऑप्शन आपने खरीद लिया अगर मार्केट नीचे जाएगी यू आर गोइंग टू मेक सम मनी सो यू आर हेजिंग योर पोजिशन आपने एक अपोजिट डायरेक्शन में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी जिससे कि अगर निफ्टी नीचे जाएगा यहाँ से पैसे जाएंगे और पुट ऑप्शन से आप पैसे कमा लोगे राइट right? सो so, आपने एक ऑफसेट पोजीशन ले ली दैट इज़ हेजिंग सो मैथड्स यूज इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स टू रिड्यूज अ फिजिकल रिस्क आप अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स आर देयर ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स टू डेंजरस सिचुएशन जैसे वो पानी गिरने लग जाता है ऑटोमेटिक स्प्रिंकल uh, होने लग जाता है वाटर रेगुलर ड्रिल्स करते हैं आप अपने एम्प्लॉयज के साथ सो दीज आर दस मैथड्स यूज बाय द इंडस्ट्रीज सो दीज आर थ्री कह लीजिए मोस्ट कॉमन रिस्क रिडक्शन टेक्निक्स डाट आ यूज बाई बोथ इंडस्ट्रीज एंड इवन इन द सर्विस सेक्टर सब जगह यूज होता है सेपरेशन दिस इन्वॉल्व्स आइसोलेटिंग सब्जेक्ट एक्सपोज टू द सेम रिस्क राइट सो कीपिंग इन्वेंट्रीज इन डिफरेंट प्लेसेज सो अगर एक गोडाउन में आग लगती है तो बाकी का माल बच जाएगा अगर ओके सो इंस्टेड ऑफ हैविंग वन गोडाउन इफ़ यू आर हैविंग टू थ्री गोडाउन्स अगर एक गोडाउन में आग लग भी जाती है तो एक बड़ा गोडाउन होने की जगह आपने दो तीन गोडाउन रखे हुए हैं तो एक जगह आग लगेगी तो उतना नुकसान नहीं होगा द कीप अवे फ्रॉम इंस्ट्रक्शन दैट आर फाउंड ऑन गैस सिलेंडर्स फ्लेमेबल मटीरियल ये भी करते हैं कैरियर्स ऑफ गुड सेपरेटिंग कार्गोज विच में इग्नाइट और कंटामिनेट इफ प्लेस विद सर्टन प्रॉक्सिमिटी ऑफ समथिंग एल्स सो so, पेट्रोल आप लेकर जा रहे हो उसके साथ में कुछ इनफ्ल जो जिसको जल्दी आग पकड़ती है वो मटेरियल साथ में ऑब्वियसली नहीं लेकर जाओगे दिस इज दीज आर सेपरेशन टेक्निक्स डुप्लीकेशन मींस यू यू हैव अ बैकअप फॉर एग्जांपल ऑफिस में वाई आई एम टीचिंग आई ऑलवेज़ हैव अ बैकअप माइक्रोफोन सो मेरे पास एक नहीं दो माइक्रोफोन है इन केस एक माइक्रोफोन को कुछ होता है तो दूसरा अवेलेबल है ताकि मतलब कोई दिक्कत ना आ पाए नया माइक्रोफोन खरीदने में कई बार एक हफ्ता लग जाता है आने में दैट्स अ सीन डाइवर्सिफिकेशन बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन मीन्स यू स्प्रेड यूर रिस्क अक्रॉस एरियाज राइट वेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट एक स्टॉक मार्केट इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ इट आजकल बहुत फिन इन्फ्लुंसिस को देखते हैं लोग इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन जस्ट वन एच डी एफ सी बैंक का स्टॉक और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक वट यू डू इज लेट से यू इन्वेस्ट इन निफ्टी फिफ्टी सो प्रॉबेबिलिटी जो है लॉस होने की निफ्टी फिफ्टी में कम है एज कम्पेयर टू एच डी एफ सी बैंक सो फॉर एग्जाम्पल येस बैंक कि जिसने खरीदा था आज से दस साल पहले राह दस साल आठ साल पहले इट यूज टू बी थ्री हंड्रेड रुपीज थ्री फिफ्टी रुपीज नाउ इट इज लाइक ट्वेंटी रुपीज राइट सो वॉट यू डू इज यू आर स्प्रेडिंग योर मनी आप अपने पैसे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज अ केस ऑफ स्टॉक मार्केट यू आर स्प्रेडिंग योर रिस्क अक्रॉस एरियाज विच में नॉट बी इक्वली इफेक्टेड बाईली इफेक्टेड इक्वली और एट द सेम टाइम सेम टाइम पे उनको सेम इफेक्ट नहीं होगा सो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन रिस्क ट्रांसफर टेक्नीक टू पॉपुलर टेक्नीस अदर देन इंश्योरेंस दो टेक्नीक है फर्स्ट वन इज इन डेमनिटी अग्रीमेंट सेकेंड वन इज हैजिंग

इंडेमनीफाई आप पाँच हज़ार रुपये दोगे वो गाड़ी में या तो आप डलवा के दोगे राइट सो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेमनिटी हैजिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स वेयर आर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज मेड टू ऑफ सेट लॉस इन अनदर इन अनदर ट्रांजेक्शन ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल आपने दस करोड़ रुपये का निफ्टी ई टी एफ ख़रीद लिया निफ्टी ई टी एफ खरीद के आप बैठ गए राइट So, आपको डर लग रहा है आपकी कि मार्केट नीचे ना चले जाए तो आप पुट ऑप्शन को परचेज कर रहे हो आपने पुट ऑप्शन परचेज कर ली जिससे कि इनकेस मार्केट नीचे जाए तो आप पुट ऑप्शन से पैसे कमा लोगे गए right? राइट तो आपको उतना लॉस नहीं होगा रिस्क रिटेंशन फॉर इंडिविजुअल्स रिस्क रिटेंशन रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ स्पेसिफिक रिस्क दे फेस राइट सो रेदर देन ट्रांसफरिंग द रिस्क टू एन इंश्योरेंस कंपनी थ्रू परचेजिंग इंश्योरेंस सो इन स्टेड की आप इंश्योरेंस ले रहे हो आपने खुद का एक फंड रखा हुआ है जिससे जो आपका रिस्क है उसको आप खुद ही कवर कर रहे हो राइट right? जो नुकसान हुआ है यू आर टेकिंग इट योर सेल्फ अपने पे ले रहे हो यू आर टेकिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन योर सेल्फ राइट सो दैट्स ऑल फोर टूडे स्टूडेंट्स आज के सेशन में इतना ही करेंगे in the next session we are going to provide 24 24 mcqs on this chapter in the next session right and that's all for today students i hope you like the today's session if you like the today's session then join a course the principles of insurance ic01 course is available on bank exams today In which we are providing video classes, the MCQs, summary sheets, notes, mock tests, revision notes. Everything is available in the course. Complete coverage. हम कर रहे हैं syllabus की. You can easily cover the whole book within two days. दो से तीन दिन में आप पूरी की पूरी book cover कर सकते हो. आज आपने पहला chapter पूरा cover कर लिया हुआ है. बहुत easily. ऐसे या बाकी के chapter भी cover कर सकते हो, right? so we have done all the hard work for you you'll be getting all the mock test all the notes everything and sure short hai ki aap exam clear kar exam. so link to join the course is available in the description if there is any doubt ask your doubts here this is my whatsapp number where you can ask your doubts so that's all for today students thank you and have a very nice day bye bye